Hello friends, today I will discuss about that extraembryonic membrane which is present in that chick. See here, this is a diagram of that extraembryonic membrane which is present in that chick embryo. The various types of extraembryonic membrane which are present in that. See here, one is that we are focusing on that first of all word and the meanings of that. First one is that kitni type ki hoti hai. फर्स्ट वन इज दैट यॉक सैक, कॉरियन, एम्नियन एंड एलेंटॉइड्स. ओके, हियर वन इज दैट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंट इन दैट चिक्स. हियर वन इज दैट द फोकस ऑन दिस वर्ड एक्स्ट्रा. हियर वन इज दैट एक्स्ट्रा मीन्स दैट एक्स्ट्रा यहाँ पर पाई जाती, लेकिन इसकी जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की वन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि विच इज नॉट पार्ट इन दैट डेवलपमेंट ऑफ दैट एम्ब्रियो. ओके, उसके एम्ब्रियो के जो डेवलपमेंट होता है उसका एम्ब्रियो का, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करती. ओनली फॉर ओनली द पार्टिसिपेट इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द यॉक सैक विच इज पार्टिसिपेट इन टू दैट. कैसे न्यूट्रिएंट उसे प्रोवाइड किया जाए, कैसे उसे एक्सटर्नल सरफेस से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें ये पार्टिसिपेट करती है, नॉट पार्ट इन दैट डेवलपमेंट. ओके, ये याद रखना है हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द यॉक सैक, हम यॉक सैक के बारे में जाने तो हियर वन इज दैट दिस इज अ यॉक सैक विच इज कनेक्टेड टू दैट एम्ब्रियो. हियर वन इज दैट यॉक सैक द कंटेन्स दैट वेरियस टाइप्स ऑफ यॉक. ओके, हियर वन इज दैट वी नो अबाउट दैट yolk is one type of that nutrient source. Here one is a chick. The chick is included into that Ailes class, right? Here one is that Ailes class of that animals which is contained that external development which is present in that egg. Yani ki bird jo hota hai उसका डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, एग में होता है. तो एग में से वो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर सकेंगे. ओके, तो यहाँ पर यॉक सैक क्या करता है, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को ग्रोथ करने के लिए. ओके, तो ये फंक्शन होगा यॉक सैक का. हियर वन इज द सेकंड फंक्शन ऑफ दैट यॉक सैक. यॉक सैक कंटेन्स दैट इंटरनल are also called as an endodermal layer of that yolk sac. They contains that various types of enzymes which is a part in that yolk. Yolk ko solubilize karne ke liye jo enzyme chahiye wo kahan par hote hai, to yolk sac ki extra inner mitochondria inner membrane par ye paaye jaate hain. Okay, here one इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो यॉक को क्या करते हैं, सॉल्युबलाइज करते हैं. ओके, सो दैट कैन एम्ब्रियो कैन यूज दिस. ओके, द सेकंड फंक्शन इज दैट कॉरियन. द कॉरियन इट इज अ वन टाइप ऑफ दैट एक्सटर्नल मेम्ब्रेन विच इज कवर्ड दैट एम्ब्रियो, एम्नियन, एलेंटॉइड्स एंड यॉक सैक, राइट. हियर इज दैट कॉरियन विच इज ऑल्सो अटैच विद दैट albumin and our external surface, it is called that shell. Okay, तो shell से ये attach है, यानी कि ये respiratory membrane के तौर पर ये काम करता है. Okay, O2 और CO2 का diffusion करवा कर वो क्या करवाता है, तो O2 और CO2 का diffusion करवा कर oxygen provide करता है embryo को और CO2 को excrete करवाता है external environment पर. Okay, here one is that we are complete that yolk sac function and chorion function, then focusing on that amnion. Here one is that the amnion, which is one type of that material which is covered by that embryo. Okay, so सारे के सारे जो amnion है यहाँ पर embryo जो है उसको protection देने का काम कौन करता है, amnion करता है. और also called as it protects that मैकेनिकल जर्क, कोई भी मैकेनिकल जर्क बाहर से लगेगा उसे, तो उससे वो क्या करवाता है, उससे वो एम्ब्रियो की सुरक्षा करता है. ओके, और देन द एम्नियन इज अ वन टाइप ऑफ दैट कंटेन्स द एम्नियोटिक फ्लूइड विच इज कंटेन्स दैट वन टाइप ऑफ द सोर्स ऑफ दैट फ्लूइड. ओके, दिस इज अ होल अबाउट दैट एम्नियन.
And the other one is that the albumin, which is not included into that extraembryonic membrane, because the albumin is a part of that egg. एग का वन टाइप ऑफ द पार्ट है ओके उसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेमोरी नहीं कह सकते ओके द एल्बुमिन दैट कंटेन्स दैट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दैट एम्ब्रियल ग्रोथ और ऑल्सो कंटेन दैट एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फ्लूइड ओके उसके हिसाब से उसका काम होता है लेकिन उसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेमोरी में नहीं लेते फोर्थ एंड द लास्ट वन इज दैट एलेंटॉइस The allantois, it is also included to that, attaches with that embryo, right? Here मैं आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर embryo से भी connected है ये allantois. तो क्या होता है तो allantois is a like that, it is a function of that and the structure of that, like that bladder, okay? हमारे शरीर में जैसा bladder होता है उसके हिसाब से ही allantois होता है cheek में okay? तो ब्लैडर का फंक्शन हमें याद है तो ब्लैडर स्टोर दैट यूरिन ओके एंड द एलेंटॉइस ऑल्सो स्टोर दैट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी फ्लूइड विच इज सीक्रेटेड बाय दैट एम्ब्रियो राइट तो एम्ब्रियो में से जो भी एक्सक्रीटरी फ्लूइड निकलेगा यानी कि अमोनिया या फिर यूरिया या फिर यूरिक एसिड तो उसका स्टोरेज कहाँ पर होगा एलेंटॉइस में ओके दिस इज अ होल अबाउट दैट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फंक्शन We know about that yolk sac that provides the yolk nutrients to growth, which is also included to that growth of that embryo. Chorion, it is part in that respiratory system, also part in that O2-CO2 transportation, right? Amnion, which is for protection that external mechanical jerk जो भी लगेगा embryo को तो उसे वो सहन कर लेता है embryo पर नहीं आने देता Okay, and the amniotic fluid is a one type of the fluid which is growth and which is also part in that embryo growth. And then allantois, it is a one type of that excretory sac that contains the various types of excretory fluid. जो होता है उसमें से ये आपको याद रखना है कि ये कोई भी embryo के development में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है ओके यानी कि जब एम्ब्रियो में से एडल्ट जब बर्ड बन जाएगा तब ये बर्ड्स में ये कोई भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमें दिखने को नहीं मिलेगी ओनली फॉर ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही ये वर्क फंक्शन करती है क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एम्ब्रियो को ग्रोथ करवाने के लिए ये सारी की सारी मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है ओके दैट इज नॉट पार्ट इन दैट एडल्ट बर्ड्स ओके दिस इज होल अबाउट दैट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेमोरी फंक्शन आई होप लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर देयर फ्रेंड्स ओके थैंक यू